हालांकि चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं हींग का अचार, जो खाने में बेहद टेस्टी होता है। तो चलिए बनाते हैं हींग का अचार। देखिए ये हमारे पास गूदा है आम का, तो हमने लगभग 2.5 किलो आम लिया था, जिसे हमने छील के और इस तरीके से काट लिया है सारा, और उसमें बिल्कुल भी कोठली नहीं है। तो हम बनाएंगे अब इसका हींग का अचार दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें नमक मिला के रख देंगे। तो आप कहेंगे भाई नमक कितना, तो नमक हमेशा जितना हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 किलो आम है, आप ये समझ लें, और उसमें आपके ने जो आम लिए हैं वो लगभग बराबर साइज़ के हैं, तो एक आम के बराबर आप नमक को तोल लीजिए और उतना ही नमक इसमें डाल लीजिए, वो परफेक्ट होता है और कभी कम और ज़्यादा नहीं होता है। तो अब हम इसमें नमक मिला लेंगे और लगभग 10-11 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे नमक मिला के इसको। तो ये पानी छोड़ देगा, ये देखिए अब हम इसमें नमक मिला दे रहे हैं इस तरह, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बस। अब हमने इसका भी पानी निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं हमने इसे पानी निकाल के अलग रख लिया, लेकिन इसे नहीं फेंकेंगे। हम फिर बता दे रहे हैं आपको, हम अचार को मसाला मिला के धूप में रखेंगे और बाद में ये पानी इसमें मिला के और जार में भर के रख देंगे। तो हम जा रहे हैं मसाला मिलाने के लिए। तो दोस्तों इसमें बहुत मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें हमने नमक लगा के तो कल ही रख दिया था। ये देखिए हमने इसमें डाली 100 ग्राम चीनी, क्योंकि हमको इसको खट्टा भी रहने देना है, बहुत हल्की सी मिठास चाहिए, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाली है। और हमने लगभग ये 1/4 डिब्बी हमने हींग डाल दिए, क्योंकि हींग का अचार है तो हींग ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि इसमें पूरा फुल फ्लेवर आए। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं मिर्चा, तो मिर्च भी हम बहुत नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी मिर्च बहुत तीखी है और हमारे पास इस टाइम नहीं है कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च ला के हम इसमें मिला देंगे तो उसमें कलर आ जाएगा, और इसे हम पूरा अच्छे से मिला के और अब धूप में रख देंगे पूरा दिन के लिए। उसके बाद इसको भी मर्तमान में भर के रख देंगे और इसका पानी मिला देंगे इसमें। अब हम इसे सारा दिन के लिए धूप में रखने के लिए जा रहे हैं। हमारा ये हींग का अचार बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। कल हमने इसको में नमक लगा के रखा था, आज पूरा दिन इसमें धूप लगाई है और इसमें हमने हींग और मिर्च मिला के रख दिया था, और इसमें जो पानी था वो हम इसमें अब डाल देंगे, जो इसका पानी हमने निकाल लिया था, और इसे अब मर्तबान में भर लेंगे दोस्तों। तो हम आपको ये बता दें कि अभी इसमें हफ्ता भर आप इसे धूप में रखेंगे, तभी आपका अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वैसे ये अभी भी खाने लायक हो चुका है, तो लेकिन हमें इसको अभी धूप में रखना ही पड़ेगा। तो अब हम इसे भर देते हैं अपनी बरनी में, देखिए। और आप कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि हम जब ज़्यादा मिर्च हमको नहीं चाहिए होती है ना, तो फिर उसमें उतना कलर भी बढ़िया नहीं आता है, तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें। ये देखिए हम भर रहे हैं इसमें। देखिए दोस्तों हमारा हींग का अचार बनके तैयार हो गया है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों। हफ्ते भर इसको आपको बाहर रखना है धूप में, उसके बाद आप इसे बंद करके रख दीजिए पूरे साल, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा दोस्तों। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। यदि आपको हमारे चैनल पर अपनी किसी रेसिपी का वीडियो भेजना है तो उसके साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।